मुख्य बिंदु पढ़े थे, वर्ड मीनिंग पढ़े थे और आपने उनको नोटबुक में लिखा भी। आज हम पोंगल त्योहार के बारे में सविस्तार जानेंगे कि पोंगल जो है वो कैसे, कितने दिनों तक जो है वो मनाया जाता है, क्या क्या नई चीजें इस त्योहार पर की जाती है, कहाँ का ये प्रमुख त्योहार है। तो सबसे पहले हम बात करें, पोंगल एक त्योहार का नाम है और ये विशेष रूप से दक्षिण भारत में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? दक्षिण भारत में मनाया जाता है। और जब दक्षिण भारत में पोंगल का त्योहार मनाया जाता है उसी वक्त उत्तर भारत में जो है मकर संक्रांति का त्योहार सेलिब्रेट होता है, मनाया जाता है। और उस वक्त कौन सा महीना होता है? जनवरी। जनवरी में ये त्योहार जो है सेलिब्रेट होता है। ठीक है, फसलों से जुड़ा हुआ त्योहार है, चावल की नई फसल पककर इस समय तैयार होती है। तो जब दक्षिण भारत में पोंगल का त्योहार मनाया जाता है उस वक्त उत्तर भारत में अपने यहाँ हम कौन सा त्योहार सेलिब्रेट करते हैं? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति शब्द में एक वर्ड है संक्रांति। क्या है? संक्रांति। ठीक है, तो हम संक्रांति शब्द का अर्थ जानेंगे कि संक्रांति क्या होती है। सूर्य का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर और में धीरे धीरे जाना संक्रांति कहलाता है। सूर्य का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर धीरे धीरे जाना संक्रांति कहलाता। तो सूर्य तो रोज एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर धीरे धीरे जाता है, वो नहीं। ठीक है, जैसे सन राइज होता है, जब सूर्य उदय होता है पूर्व दिशा की ओर, तो हम देखते हैं वो हर मौसम में उसकी जो दिशा है वो चेंज होती है। एक मौसम में वो बिल्कुल मिड में होता है, फिर धीरे 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 थोड़ा कोने में चला जाता है, फिर वापस से जब सर्दियों का मौसम आता है तो वो वापस से अपना स्थान बदल लेता है। और इससे क्या होता है? ठंड का मौसम जो है वो कम होने लगता है। ठीक है, और दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती है। जैसा कि ठंड के मौसम में क्या होता है, दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती है। तो जब सूर्य जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर धीरे धीरे जाता है, वो मकर, वो क्या कहलाता है? संक्रांति। संक्रांति शब्द का अर्थ होता है सूर्य का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर धीरे धीरे जाना। और इससे क्या होता है? हमारे मौसम में और पर्यावरण में बदलाव भी आते हैं। ठीक है, सर्दी से धीरे धीरे सर्दियां कम होने लगती है और सुहाना मौसम जनवरी महीने में होने लगता है। ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज्यादा ठंड होती है, ये सूर्य का स्थान परिवर्तन होने के कारण ही ऐसा होता है। और फिर है जब उत्तर भारत में मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं, तो थोड़ा सा मकर संक्रांति के बारे में जानेंगे कि मकर संक्रांति जो है हम जनवरी महीने में मनाते हैं। संक्रांति के ऊपर आप काइट फ्लाइंग करते हैं और आपका फेवरेट फेस्टिवल है। ठीक है, खूब पतंगे उड़ाते हैं और साथ में ही इस त्योहार का धार्मिक महत्व भी है। इस अवसर पर गायों को गुड़ खिलाया जाता है, हरा चारा खिलाया जाता है, गरीब लोगों को दान दिया जाता है। ठीक है, पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। इस प्रकार ये जो है मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, मूंगफली की गजक बनाई जाती है और एक प्रकार से हम कहें तो सर्दियों में हम खाने के लिए जो हमें नई नई चीजें हमें मिलती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। और जब अब हम अपने यहाँ मकर संक्रांति का त्योहार मना रहे होते हैं उसी वक्त दक्षिण भारत में पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत के भी राज्य का नाम अगर जाने तो हम तमिलनाडु है ना। वैसे तो ये सभी किसानों से जुड़ा हुआ त्योहार है तो सभी लोग मनाते हैं, लेकिन तमिलनाडु में ये विशेष रूप से मनाया जाता है। ठीक है, ये किसानों का त्योहार भी है, ये किसानों का त्योहार है, फसलों से जुड़ा हुआ है। जैसे और कौन सा त्योहार होता है जो फसलों से जुड़ा हुआ है? बैसाखी है। ठीक है, ओणम है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी किसानों का त्योहार है जो कि तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। और वहाँ की प्रमुख फसल की बात करें तो वो है चावल। चावल की नई फसल पककर तैयार हो जाती है उस समय जो है तमिलनाडु में पोंगल का त्योहार, यानी दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार जो है वो 3 दिनों तक मनाया जाता है। ये त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? 3 दिनों तक ये मनाया जाता है। जैसे हम दीपावली जो है वो 5 दिनों तक मनाते हैं, छोटी दीपावली होती है। ठीक है, फिर रूप चौदस धनतेरस होती है,
फिर लक्ष्मी पूजा होती है, फिर जो है गोवर्धन पूजा है और भैया दूज है। इस तरीके से हम 5 दिनों तक दीपावली मनाते हैं। उसी प्रकार जो है पोंगल 3 दिनों तक मनाया जाता है और इन 3 दिनों के नाम क्या क्या है। पहला दिन कहलाता है भोगी पोंगल, दूसरा कहलाता है सूर्य पोंगल और तीसरा कहलाता है मट्टू पोंगल। फिर से बोलेंगे भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल। ठीक है, इन 3 दिनों में क्या क्या अलग अलग चीजें होती है वो हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें भोगी पोंगल की। तो जैसा कि हर त्योहार पर ज्यादातर अपने यहाँ पे भी होता है, ठीक है, भारत के हर राज्य में हर महीने में कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है और हर धर्म का कुछ जो त्योहार होते हैं धर्म से जुड़े होते हैं, कुछ फसलों से जुड़े होते हैं, लेकिन कुछ उनमें समानताएं भी होती है। एक तो इस अवसर पर सभी लोग खुश होते हैं। तो भोगी पोंगल पर क्या होता है, सबसे पहले घरों की साफ सफाई की जाती है। जो किसान लंबे समय तक अपनी चावल की देखरेख में व्यस्त थे, फसल काटने में व्यस्त थे, ठीक है, तो उनको इतना समय नहीं मिल पाता कि वो अपने घरों की सही तरीके से जो है वो साफ सफाई कर सके। तो सबसे पहले तो वो जब फसल पककर तैयार हो जाती है घर जाते हैं तो सबसे पहले तो वो अपने घरों की अच्छे से साफ सफाई करते हैं और सारा कूड़ा करकट जो है वो शाम को इकट्ठा करके जलाते हैं। ठीक है, तो ये पर्यावरण की सुरक्षा का भी एक इसमें मैसेज है। ठीक है, तो सबसे पहले भोगी पोंगल के दिन, पोंगल के पहले दिन का नाम क्या हो गया, भोगी पोंगल। और इस दिन क्या किया जाता है, सभी घरों की साफ सफाई की जाती है और सारे कचरे को इकट्ठा करके जला दिया जाता है। और दूसरा दिन जो है वो सूर्य पोंगल के नाम से जाना जाता है, जैसा कि हमने नाम में ही है सूर्य। ठीक है, सूर्य ये प्रकृति जो है, किसान जो है किससे जुड़े होते हैं, प्रकृति, तो प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट भी की जाती है और प्रकृति का ही एक महत्वपूर्ण भाग है सूर्य। तो सूर्य पोंगल के दिन क्या किया जाता है, सबसे पहले जो नए चावल होते हैं, ठीक है, उनकी नए बर्तन में खीर बनाई जाती है। ठीक है, गुड़ डालकर खीर बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, खीर बनाई जाती है। ठीक है, और उसमें क्या डाला जाता है, खीर में गुड़ डालकर नए चावल की खीर बनाई जाती है। किससे खीर बनाते हैं, नए चावल से, और कब बनाते हैं, सूर्य पोंगल के दिन बनाते हैं, नए बर्तन में बनाते हैं। ठीक है, किसमें बनाते हैं, नए बर्तन में नए चावल की गुड़ डालकर खीर बनाई जाती है। ठीक है, और उस खीर का सूर्य के भोग लगाया जाता है। सबसे पहले सूर्य का भोग लगाया जाता है। घरों पे रंगोलियां बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती है, रंगोलियां, फूलों से भी बनती है, रंगों से भी बनती है, मतलब एक तरीके से घरों को अच्छे से सजाया जाता है, सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। ठीक है, और इस प्रकार सूर्य पोंगल का त्योहार जो है वो दूसरा दिन जो है वो सेलिब्रेट होता है। सभी अपने घरों को अच्छे से सजाते हैं, रंगोलियां बनाते हैं, फूल लगाते हैं, लीव्स लगाते हैं। ठीक है, अपना जो मेन गेट है उसे लेकर आंगन तक अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, सब कुछ, सब लोग नए कपड़े पहनते हैं। ठीक है, और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और नए बर्तन में नए चावल की खीर बनती है। ठीक है, और उस खीर का सूर्य देवता के भोग लगाया जाता है और इस प्रकार सूर्य पोंगल दूसरा दिन मनाया जाता है। अब हम तीसरे दिन की बात करें तो उसका नाम है मट्टू पोंगल। क्या नाम है, मट्टू पोंगल। मट्टू शब्द में जो है वो द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, द्वित्व व्यंजन। और हमने पिछले वीडियो में भी जाना था कि एक साथ एक जैसे दो व्यंजनों का प्रयोग जब होता है तो उसको हम द्वित्व व्यंजन बोलते हैं और साथ ही पहले व्यंजन में स्वर नहीं होता, हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, ये द के नीचे हलंत का चिन्ह है। अगर हम इसे राइट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ लगा दें तो ये पदेटे होगा और हलंत का चिन्ह जो है वो शब्द के राइट हैंड की तरफ होता है और इसका अर्थ है ये अक्षर आधा है, मीन्स इसमें कोई स्वर नहीं मिला हुआ। तो मट्टू शब्द में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है। तीसरे दिन की बात करें हम, उसका नाम क्या है, मट्टू पोंगल। और मट्टू पोंगल के दिन क्या होता है, जो कि त्योहार जो है वो किसानों से जो
है, साथ में वो बैल जो होते हैं वो खेत जोतने और सामान ढोने का काम करते हैं, तो वो इनमें अपने पशुओं को भी नहीं भूलते। मट्टू पोंगल के दिन वो पशुओं को विशेष रूप से अच्छे से नहलाते हैं, उनके सींग व खुरों पे रंग लगाते हैं, ठीक है, उनको फूलों की माला पहनाते हैं, और जो सूर्य पोंगल के दिन जो खीर बनी थी उसके लड्डू बनाकर और पशुओं को खिलाते हैं, ठीक है, और एक तरीके से उनका अभिवादन करते हैं, ठीक है, उनके प्रति रिस्पेक्ट दिखाते हैं, कृतज्ञता प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप भी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हो, ठीक है। तो देखा इस प्रकार मट्टू पोंगल मनाया जाता है, पशु को नहलाया जाता है, उनके सींग व खुरों पे रंग लगाया जाता है और उनकी पीठ पर एक नया कपड़ा डाला जाता है, उनको फूलों की माला पहनाई जाती है, और जो सूर्य पोंगल के दिन खीर बनी थी उसके लड्डू बनाकर और उनको खिलाया जाता है, और इस दिन एक फिर उनकी उनको गांव में सभी को पशुओं को लाइन से निकाला जाता है, उनका जुलूस निकाला जाता है, देखिए किसके पशु जो है वो सबसे सुंदर लग रहे हैं, और इस अवसर पर एक बैलों की दौड़ भी होती है। क्या होती है? बैलों की दौड़, और उस दौड़ को जल्लीकट्टू के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? जल्लीकट्टू। क्या होता है? बैलों की दौड़। ठीक है, तो इस प्रकार पोंगल का जो त्योहार है वो प्रकृति के प्रति कृतज्ञता यानी धन्यवाद कृतज्ञता प्रकट करने के लिए ये जो है किसान मनाते हैं। ये किसानों का प्रमुख त्योहार है। ठीक है, इसमें पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश भी है कि हमें प्रकृति जब इतना कुछ देती है, हमारा पूरा जीवन जब प्रकृति पर निर्भर है, तो हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, जैसे सूर्य भगवान की पूजा करके किसान जो है पोंगल के अवसर पर कृतज्ञता प्रकट करते हैं। ठीक है, तो हमें भी इस प्रकार प्रकृति की सुरक्षा करनी चाहिए, ये संदेश है। ठीक है, दक्षिण भारत का प्रमुख त्योहार है पोंगल, और इसी समय उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाई जाती है। संक्रांति शब्द का अर्थ होता है सूर्य का एक स्थान से दूसरे स्थान में और धीरे धीरे जाना, और इससे क्या होता है, सर्दी का मौसम कम होके धीरे धीरे गर्मी आना शुरू हो जाती है। सूर्य जब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर धीरे धीरे जाता है तो मौसम में और पर्यावरण में बदलाव होते हैं। ठीक है, और किसानों का ये प्रमुख त्योहार है, तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, और